सो गाइज निकल पड़े हैं अपन जोधपुर के लिए। थोड़ा सा ना म्यूजिक लगा लिया जाए क्योंकि उसके बिना मैं बहुत बोर हो जाऊंगा। क्लासिकल रॉक। ओके गाइज, सो वी आर ऑन दी अजमेर हाईवे नाउ। प्रॉपरली आ गए हैं इसके ऊपर ढंग से और काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। सो लेटेस्ट अपडेट इज के कुछ कुछ जगह पे आपको कंस्ट्रक्शन मिल सकता है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर हाईवे इज आई हेट दिस हाईवे फॉर अ रीज़न एंड फॉर अ गुड रीज़न कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज इन इंडिया, क्योंकि यार इस पर कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ से कौन आ जाएगा। And these roads are so wide and beautifully built that you cannot stop yourself from, you know, accelerating. क्योंकि एक तो क्या है कि बहुत wide है, बहुत लंबी चौड़ी road है, बिल्कुल flat out है, and you obviously tend to, you know, sometimes lose control. This is quite a dangerous road, so be careful. क्योंकि एक तो ये open highway है, दोनों साइड में ना बिल्कुल ओपन है, तो लोग कहीं से भी आ सकते हैं, जानवर आ जाएंगे, बड़े बुजुर्ग भी काफ़ी क्रॉस करते हुए आपको दिख जाएंगे। अभी जब कैमरा ऑफ था तब भी मेरे सामने एक अंकल आ गए थे। डिड यू सी दैट एंड दीज आर द काउज, पीपल कमिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड, काउज। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज इन इंडिया राइट नाउ। And I'm doing 102, 103. I do not feel like that on my motorcycle right now because the road is so good that I do not feel the vibrations coming from the road itself. Do keep in mind while speeding up that how your brakes work. So Jodhpur ki taraf, Ajmer ki taraf chalte hi, Rajasthan mein ghuste hi aapko dal bati churma aur kafi sari cheeze jo hain wo sadak pe aapko highways pe ऐसे ढाबे मिलेंगे और देसी ढाबों पे अगर खाना हो तो आप खा भी सकते हैं। लेकिन मैं जोधपुर जा रहा हूँ और जोधपुर की डिश है दोनों, मिर्ची बड़ा और दाल बाटी चूरमा, तो जोधपुर जाके ही खाना पसंद करूँगा क्योंकि वहाँ पे ना एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं साथ में यार। एक तो मिर्ची कूट और एक लहसुन की चटनी और प्याज और उसके ऊपर बहुत तगड़ा वाला स्कूप ऑफ घी। ओहो, सोच के मुंह में पानी आ रहा है यार। यार धूप और ठंडी हवा का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का हो रखा है ना कि अभी नींद आने लग गई है बहुत ज़्यादा। रेडबुल या चाय, यार कैफीन चाहिए भाई। राइड के दौरान थोड़े से पोर हो जाएं, आइसोलेट से हो जाते हैं आप। गाइस अगर आप रियर व्यू में देख पा रहे हैं तो एक बस और ट्रक पीछे भिड़ गए। ये रोड ऐसी है भाई, ये रोड श्रापित है। भले छोटे से छोटा एक्सीडेंट हो लेकिन यहाँ पे डेली होगा ही होगा। लुक एट द व्यू मैन, सामने वो पहाड़ दिख रहे हैं, अरावली एंड ब्यूटीफुल हाईवे, दैट्स द व्यू जिसके लिए मैं आया हूँ इतनी दूर से। अभी मेरी रेंज दिखा रही है 52 किलोमीटर्स। पहले फ्यूल डलवाते हैं, उसके बाद में कहीं पे रोकेंगे थोड़े से कैफीन के लिए। आज फिर से वही गलती हो गई यार, मैंने खुद ने बेवकूफ़ हूँ मैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से जो है हम टूवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं और सन वुड बी राइट इन फ्रंट ऑफ अस, सूरज बिल्कुल आंखों के सामने होगा। टैंक फुल करना है यार, 108 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा है यार। 380 डिवाइडेड बाय 13.28, अरे यार कम है, 28.5 का एवरेज। सो गाइस हमने ले लिया था अपना वेल डिजर्व्ड ब्रेक और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड जोधपुर। अजमेर निकल चुका है पीछे, मतलब हम अजमेर को बाईपास करते हुए और अब जा रहे हैं जोधपुर की तरफ। एक रेडबुल पिया एंड आई एम गुड टू गो अगेन। थोड़ा सा एनर्जी आई है शुगर की वजह से और थोड़ा कैफीन की वजह से, आई होप कि नींद नहीं आएगी। इतनी अच्छी रोड और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे भी पहाड़ आते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, मन कर रहा है इसके नीचे से स्लाइड करते हुए निकल जाऊँ। भाइयों राजस्थान की ट्रिप है ना,
कार पे करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको सोलो और अपने फ्रेंड्स के साथ में करना है, जस्ट गेट अ मोटरसाइकिल एंड गेट गोइंग। वन मोर थिंग कि जब भी यहाँ पे कोई गांव आएगा पास में हाईवे के ऊपर, तो ये एक राजस्थान में ट्रेंड टाइप का है कि हर गांव में आपको आगे पीछे जो है वो स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, और वो थोड़े से उनकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट टू। आई डोंट नो गाइस इफ यू कैन सी दिस, लुक एट द व्यू। हाईवे के साथ में क्या व्यू आ रहा है, बॉस। सो अभी हम जाएंगे इन पहाड़ियों के बीच में से। ओके, ब्यावर। सो ब्यावर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये ब्यावर नाम कैसे पड़ा। जब अंग्रेज यहाँ पे थे तब अंग्रेज़ों का जो सामान जोधपुर या इस रास्ते से जो भी टूवर्ड्स राजस्थान के दूसरे भाग में आता या जाता था, तो ये ब्यावर के इधर है ना कुछ तगड़े वाले लुटेरे रहते थे, शायद अभी भी रहते हो उनकी जो डिसेंडेंट्स है वो। तो वो लोग क्या करते थे कि वो उनका जो कॉन्वॉय होता था अंग्रेज़ों का, उस कॉन्वॉय को लूट लेते थे और तबीयत से लूटते थे, मार मार के भगाते और थे। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया था, बी अवेयर, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, बी अवेयर। सो वो धीरे 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 हमारे जो आधी अधूरी इंग्लिश पढ़े हुए लोग थे वो उस बी अवेयर को ब्यावर। सो वो नाम पड़ गया ब्यावर। सो दैट्स हाउ ब्यावर वॉज नेम्ड। लुक एट द माउंटेन रेंज, दीज आर जस्ट रॉक्स, एंड अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट। तो आप इनके जो पत्थर हैं उनको अगर आप, अभी तो कैमरे में शायद नहीं दिखेंगे लेकिन अगर आप क्लोजली कभी आपको मौका मिले इनको देखने का, तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि ये पत्थर जो है बिल्कुल फॉसिल की तरह दिखते हैं, एंड लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा पुराने एक्चुअल में शेप में आ चुके हैं, क्योंकि ओवर द टाइम जिस तरह से इन्होंने शेप लिया है। नाउ लुक एट दिस माउंटेन एंड लुक एट दैट। ऐसे माउंटेन्स के बीच में राजस्थान के लोग रहते हैं। ये एक आसान टेरेन नहीं है, इट्स अ वेरी यू नो रगेड टेरेन, क्योंकि यहाँ पे कटीले पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी जगहों पे रहते हैं राजस्थान के लोग और इतने सालों से रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से ऐसी टेरेन के अंदर रह के, जिस टाइम हमारे पास वेपन्स भी नहीं होते थे तलवारों और चाकू और भालों के अलावा, उस टाइम में कितने बाहर के अटैकर्स के साथ में राजस्थान के लोगों ने लड़ाई की और पूरी कोशिश की कि देश को बचाया जाए। ओ लुक एट दिस, वाओ, बहुत चेंज हो गया है यार। बहुत टाइम बाद में मैं इस रूट पे आया हूँ, और आया भी था तो कार से आया था, तो कार में क्या है कि नीचे बैठे बैठे पता नहीं लगता, मोटरसाइकिल पे अभी मैं खड़ा होके चला रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि आप बना दिया यार। सो गाइस दिस इज द रोड विच इज गोइंग टुवर्ड्स जोधपुर इन द राइट। रिमेंबर दिस फ्रॉम द होटल गिरवर। सामने वाली जो रोड है दैट विल गो टुवर्ड्स पाली एंड दिस विल गो टू जोधपुर। नाइस, ओ वाओ, स्पीड लिमिट इज 45 फॉर द कार्स, यू किडिंग मी राइट। लास्ट टाइम आई केम हियर द रोड वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन,
Now that this is complete, although the road is cemented, तो इतना ज़्यादा smooth नहीं है ये. I can feel the uneven pattern of the cement road. एक चीज़ पता है आप लोगों को कि मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने ये चीज़ notice की है, बट अगर कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन वर्क या तो चल रहा है या रोड टूटी हुई है, ख़राब है, और उसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो जहाँ आपको अच्छी रोड मिलती है वहाँ पे आप थ्रॉटल देने की कोशिश करते हो और वहीं पे आपको पुलिस वाले खड़े मिलते हैं इंटरसेप्टर लेके. ऐसा मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है. लगभग 50 किलोमीटर दूर है हम जोधपुर से. इट्स ऑलमोस्ट 5:38-5:40 के आसपास हो चुके हैं एंड आई गेस इट विल टेक अनदर एन आवर मे बी. रोड्स अच्छी थी इस वजह से थोड़ा टाइम पे पहुंच गए हम जोधपुर. लुक एट द सनसेट एंड हम 25 किलोमीटर दूर हैं. मैं बीच में चाय पीने के लिए रुक गया था. सो गाइस वी हैव एंटर्ड फ्रॉम डांगियावास साइड. देर इज दिस ब्रिज विच गोज टू नागौर एंड बीकानेर, बट दिस सेक्शन गोज टूवर्ड्स द सर्किट हाउस which is the entry from Ajmer side. So guys, we have officially entered Jodhpur. This is the military area. So guys, I've reached Birali Heights. This is a cafe and you can also take a room and stay at Birali Heights. ये अपना एक दोस्त है अनमोल. He is younger to me, लेकिन उसके साथ में दोस्ती बहुत अच्छी है. And these guys work here only. अपना नंदी भी खड़ा है. दीज गाइज वर्क हेयर एट बिराली एंड आते ही सब्सक्राइब भी कर दिया इन्होंने, थैंक यू वेरी मच. अभी दोस्त आएंगे, उनसे मिलते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि आगे क्या करना है. वापस गाड़ी से उतर. हाँ, गाड़ी से वापस उतर. ऐसे ड्रामेटिक से होना चाहिए सीन ना, कि मिलने आए हैं मेरे से. हाँ बस 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 ठीक है. बस बस मेरे को अकेले कोई बैठना था मानव. यस सारे बैठ. हाँ भाई आ जाओ. ओहो क्या हाल है. बढ़िया. अरे अरे दूल्हा क्या हाल है. जोधपुर. थैंक यू थैंक यू. और ये रहा दूल्हा. क्या हाल है दूल्हे के. बस ये इसकी बधाई हो शादी की. ये आपके शादी के कार्ड यहीं पड़े हैं. मेरे शादी के कार्ड. आप आए हो. नाम भी नहीं लिखा मेरे शादी के कार्ड पे. तो गाइज अभी थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे, फन करेंगे एंड देन विल बी गोइंग टू कांकानी एट हिज रिजॉर्ट. वहाँ पे वो जगह तो कल सुबह दिखाऊंगा, लेकिन अभी वहाँ जाएंगे हम. तो अभी हम फाइनली जोधपुर पहुँच गए हैं एंड दिस इज़ व्हाट द राइड लुक्ड लाइक. और अभी मानस के साथ में थोड़ा सा 2-3 दिन मस्ती करेंगे. शादी है इसकी, अब तो ये निकलेगा नहीं घर से, घर पर ही मस्ती करवाएंगे इसको.